हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डी ई एफ से एनिमल बनाना सीखा था। इस वीडियो में हम जी एच आई का इस्तेमाल करते हुए एनिमल बनाएंगे। सबसे पहले हम जी को यूज़ करते हुए गूस बर्ड बनाएंगे। दोस्तों, गूस बर्ड डक फैमिली की ही एक बर्ड है, लेकिन डक से थोड़ी सी बड़ी होती है और पाई जाती है नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में। इस बर्ड का वेट 10 पाउंड तक होता है और इसका विंग स्पैन, इसके जो पंख फैलते हैं, तो ये 5 से 6 फीट की होती है। देखिए दोस्तों, हम जी से किस प्रकार से गूस बर्ड बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्वागत है आपका दोस्तों हमारे चैनल ड्राइंग विद अजय में। हमारी बर्ड लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम एच का इस्तेमाल करते हुए हिप्पो बनाएंगे। दोस्तों, हिप्पो को हिप्पोपोटामस भी कहते हैं। यह एक सेमी एक्वेटिक एनिमल है, मतलब कि यह वाटर में भी रहता है और लैंड पे भी रह सकता है। इसका वेट लगभग 3,500 से 9,000 पाउंड होता है। काफ़ी बड़ा एनिमल होता है दोस्तों ये। हमारा हिप्पो लगभग बनने को तैयार है, बस फाइनल लेग इसकी बननी है। दोस्तों, अब हम आई का इस्तेमाल करते हुए इगुआना बनाएंगे। यह एक टाइप की लिजर्ड है दोस्तों, जो कि सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका में पाई जाती है। यह अक्सर गर्म इलाकों में पाई जाती है और इसका वेट 4 किलो से लेके 8 किलो तक का होता है और लेंथ इसकी 2 मीटर तक हो जाती है। 20 ईयर्स तक का लाइफ स्पैन होता है दोस्तों इसका। देखिए किस प्रकार से आई से इगुआना बनती है।
देखिए दोस्तों, लगभग इगुआना बनके तैयार हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जे के एल से एनिमल ड्राइंग बनाना देखेंगे।